इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत पर 3-1 से अजेय बढ़त ले ली है और इसका सबसे बड़ा कारण टीम इंडिया का विराट कोहली पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना है। बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका में भी 3 मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। दोनों सीरीज में विराट दोनों ही टीमों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इंग्लैंड में चल रही सीरीज में उन्होंने 2 शतक के साथ 544 रन बनाए हैं। दोनों ही टीमों में ऐसा और कोई नहीं कर पाया है। विराट इस समय भारत ही नहीं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने सीरीज के 4 मैच में 68.00 के औसत से रन बनाए हैं, लेकिन टीम का कोई भी और बल्लेबाज 250 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहली पर इस निर्भरता ने टीम इंडिया पर काफी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि दूसरी टीम को यह भरोसा भी दे दिया है कि भारतीय बल्लेबाजी अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वहीं इस साल की शुरुआत की अगर बात हम करें तो दक्षिण अफ्रीका में हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान विराट ने 1 शतक के साथ सबसे ज्यादा 286 रन बनाए थे और उनके अलावा इस सीरीज में दोनों ही टीमों का कोई बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया था, लेकिन फिर भी दोनों ही सीरीज में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके अलावा टीम में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है। और अब टीम इंडिया को समझने की जरूरत है, इस पे चिंतन करने की जरूरत है कि क्या विराट के बदौलत ही हम विदेशी सरजमी पे मैच जीत सकते हैं या और बल्लेबाजों को सामने आकर रन बनाना होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस